सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है एक मंदिर से। वो मंदिर ये है और तो यही मैं बता रहा था, और मैं सरप्राइज दूंगा एक आपको अभी, और बाकी है गाइस सरप्राइज फॉर यू गाइस, क्योंकि मेरा एक 1K सब्सक्राइबर हो चुका है गाइस। गाइस ये पावापुरी का जल मंदिर है गाइस, इधर बहुत सारा बतख है और पानी बतख गाइस उधर से भी और देखो 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 चलो चलो आ रहे हैं अंदर, चलो गाइस हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। इनके बड़े भाई का नाम था राजा रणजीत वर्धन जी, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ चरम चिन्ह है, और ये पूरा मंदिर है जो ईंटें और चूने का बना हुआ है। ईंटें और चूने का, हाँ, आज से लगभग 100 साल पहले उसके ऊपर से मानव जो है निर्वाण लड्डू चढ़ाने का, उन्हें ये जो छत्र लगा हुआ है चरण के ऊपर, आ जाइए, वो छत्र अपने से मूलभूत घूमता है। आप लोग जैन हैं कि कुछ? हम लोग पुजारी हुए, यहाँ के ब्राह्मण हैं, जैन धर्म के ही पुजारी हैं। अच्छा, मतलब जैन पे ही जाते हैं। ओके जी, शुरू से ही जो चार पीढ़ियों से पानी पे एक मंदिर है, तो मैं अंदर जाऊंगी गाइस, मैं पानी छोड़ूंगी। दिगंबर जैन में ही है ये, देखो बहुत बड़ा है। नहीं, हाँ बड़ा है। मंदिर का स्ट्रक्चर गाइस, मैं खतरों के खिलाड़ी बनकर ऊपर जा रहा हूँ, अगर मेरा पैर फिसला तो मैं सीधा नीचे गया। गाइस मैं ऊपर आ गया और आप देख सकते हैं ऊपर का नजारा कितना मस्त है, और चलिए थोड़ा सा फोटो खिंचवाते हैं और फिर देख सकते हैं एक मंदिर है जिसमें ये सब जो बना हुआ है ना घर टाइप से, आपको ये घर नहीं है वैसे, इसको स्तूपा कहते हैं, जिसका विशेष पूरा हो जाता वो ये बनाते थे मंदिर में आकर। गाइस देखो ये कितना बड़ा है, इसके अंदर जाना लेकिन अलाउड नहीं है।
गाइस ये एक रूम है जिसका छत टूट के गिर चुका है बहुत साल पहले। गाइस ये एक रूम है जिसमें छत अभी भी है, दो रूम है ऐसा, लेकिन जैसा कि आप ये देख सकते हो ये कुआं है बहुत बड़ा। गाइस अभी मैं नालंदा से निकल रहा हूँ, अब जा रहे कहीं और एक मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे वो है बुद्ध भगवान है मंदिर के अंदर। गाइस आई थिंक अंदर कैमरा यूज करना अलाउड नहीं होगा, सो चलिए देखते हैं अंदर। और गाइस यहाँ से तो बुद्ध भगवान भी दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आई थिंक दिख रहे हैं, हाँ गाइस दिख रहे हैं। गाइस अभी मैं मंदिर में हूँ, बहुत सीढ़ी चढ़ना पड़ा, मैं बहुत थक गया हूँ, सकते हो भाई बुद्ध भगवान नीचे भी है, नीचे ना गिर से दिखाते हूँ मैं आपको कितना सीरियस। गाइस देखो 200 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा गाइस इसके लिए। देखो गाइस मेरे लिए तो इजी है, जो जिसको सीढ़ी चढ़ने में मन नहीं लगता है वो मीन्स वो नहीं कर पाएगा। देखो हमारा मंदिर है गाइस, देख सकते हो इधर भी इधर भी इधर भी, ये मंदिर है हाँ, ये भी आई थिंक ये रूम्स है, हाँ रूम्स है गाइस। हम लोग आ चुके हैं ये ऑरेंज वाले बिल्डिंग के अंदर, और ये देखो अगर गाइस आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए मुझे जल्दी से कमेंट में, मुझे नहीं पता। तो गाइस चलिए चलते हैं ऊपर, यही से स्टार्ट है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पर, आगे बैठ चुका हूँ सीढ़ी पर इधर। जाऊंगा अभी गाड़ी में, इसके अंदर गया था अब तो वो तो घूम लिया, अब जाता हूँ बाहर गाड़ी में बैठने। आप नहीं देख रहे हैं चलते हैं भाई सैम के लिए, रुकते हैं गाइस। सैम तुम तो इतने छोटे से हो। हाँ ये चारा का पैर लग रहा है कोई रस्सी है बेचारा सैम, इतना छोटा होने का यही नतीजा है ना सैम। कैसा लग रहा है आप यार, मम्मी को छोड़कर, पिंकी मम्मी को, मेरी मम्मी बहुत खुश हो कैमरा में, इतना ताप होता है, इतना ताप इतना लग ही रहा है मौसम। होटल में आए आई थिंक, चलिए चलते अंदर, बेड तो मस्त से सोने लायक बेड है, और दिखाता हूँ मैं। देखो नीचे मैट बिछड़ा हुआ है, एसी लैपटॉप देखो, टीवी देखो, जो देखना देखो, ये टीवी देखना इस रूम में भी है। इस बेड पे लेटा, जूता खोला, टीवी ऑन कर दिया, अब देखते हैं गाइस टीवी चलता है नहीं। तो गाइस आप जैसा कि जानते ही होंगे कि अभी मैं राजगीर के होटल में हूँ, तो उधर एक मस्त गार्डन है, मैं दिखाता हूँ
गाइस मस्त है ब्रो गाइस। और देखो स्कूटी आ रहा है, जानते हो कि हम लोग रात में बहुत मेरे को पैर में मच्छर काट लिया था गाइस। और क्या हुआ रात में बहुत राजगीर में ही है हम, कुछ बैग लेके जा रहे हैं कहाँ गाड़ी के अंदर रखने और फिर खाना खा के जाएंगे उधर। ये जो होटल है अपना और इधर देखो सामने जस्ट पहाड़ है वो देखो, इधर यहाँ से पूरा वहाँ तक है कहीं तक पता नहीं। और दिखाता हूँ मैं आपको बिल्डिंग, आप देख सकते हो पूरा बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे रहे थे, इधर कहीं साइड में नहीं इस साइड रहे थे ना सैम। तो गाइस मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इधर तो पूरा वो है पार्किंग और पूरा बड़ा कैंपस है गाइस। देखते हैं आगे जाके उधर उस साइड, सैम आओ ना गाइस, क्रॉस करना पड़ेगा वहां से यार, जंप लगा के चलना है। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उतना लंबा जंप नहीं मार सकते हैं। है हो नहीं हुआ ना छोटे बच्चे हो तुम, नहीं होगा हाल तो घुमा रहे हो। है भैया निकल मत जाना भाई, कितना ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा भाई, थार होता पैर। गाइस इधर देखो इधर पूरा ग्राउंड है, बैट बॉल लाना चाहिए गाइस। सैम रुको, हाँ उधर भी बहुत बड़ा है। ओ भाई भाई अभी गिरता मैं। तो गाइस अभी हम लोग आ रहे हैं थोड़ी देर में, हम लोग जाएंगे छोड़ो, अरे हम लोग कहाँ जाने वाले थे, हाँ हाँ शाम को वो कोट ऊपर हो रहा है इसलिए। हम लोग कहाँ जाने वाले थे, ग्लास ब्रिज में जाने वाले थे आई थिंक गाइस, मेरे को लग रहा है। और एक चीज़ दिखाता बहुत मस्त है वो उधर है ना गाइस, पिंक कलर का पेड़ तो गाइस सैम बोल रहा है इसको तोड़ने के लिए, भाई टूटेगा तो मेरा नाम नहीं ना लोगे कि हम तोड़ दिए। अबे तुम अच्छे से पकड़े ही नहीं हो भाई, डाल तोड़ इसको यहाँ से रख के मम्मी तोड़ ले, देखो देखो इसे ए हिम्मत है ना, तो इस पेड़ पे चढ़ के दिखाओ तो मार लेंगे तुम हीरो। तो किस पे चढ़ मीर, चढ़ो तो जरा चढ़ दो, ओए चढ़ ना वो हम बचा लेंगे, चल 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 जा ना ठीक है, लेकिन सांप दिखेगा तो मत बोलना कि कटवा लिया सांप से यही दिखाने वाले किस वाले पे, चलना 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 भी नहीं चलना सांप है ना, टाइगर होगा टाइगर, नहीं पीला भी नहीं है तब पीला है टाइगर सैम लेवल बन गया, नहीं इसके अंदर लॉक कर दे तुमको नाली के अंदर खोल दे गाइस, नाली से याद आया नाली आ मर रहा है तो छोड़ो भाई, बताएं गाइस गोरे मामा के शादी में ये भैया, अरे नहीं बोलेंगे डंडा रखो, मार रहा देखो मार रहा, बड़े को मारना चाहिए छोटे को लेकिन छोटा मार रहा है बड़े को, गजब भाई गजब आजकल की। इसकी तो हम्म
नहीं नहीं पकड़ा गया।